हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज हम खेलने जा रहे हैं टीम डेट मैच बीजीएमआई के अंदर। तो मेरे चैनल को लाइक, चैनल एंड सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही धांसू धांसू कंटेंट मिलते रहेंगे मेरे चैनल के ऊपर। माय चैनल नेम इज मिस्टर भूतिया जी गेमिंग एंड शॉर्ट चैनल। अभी 9 सेकंड बचा है स्टार्ट होने में, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं ऐसे ही कवरिंग फायर करे जा रहा हूँ नॉर्मल, अब से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी आएगा देखा जाता। मैं इधर इनको हवा बोलने के लिए जाता हूँ, रश बोलने के लिए, और ये स्टार्टिंग के अंदर ही बंदे को किल कर देता हूँ। और उसकी इतनी बुलेट मेरे पास वैसे भी कम थी, उसकी दूसरी गन भी उठा लेता हूँ। और ये मेरे गन को रिलोड करते हुए मैं इधर से देखता हूँ, दोनों गन रिलोड कर लेता हूँ, ताकि कभी बाई चांस अगर इसकी गोलियाँ ख़त्म हो जाए तो इसको मैं फट से हैंड ओवर में ले चलूँ। और उसको देखता हूँ, मैं कोई बंदा दिख रहा है मुझे सामने की साइड से, तो मैं सोचता हूँ कि उसको रस कर दूँ। पर मैं सोचता हूँ यहाँ पर गन कौन सी पड़ी हुई है, M249 पड़ी हुई है। ठीक है, मैं देखता हूँ M249 में क्या है, बुलेट का थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है उसके, ज़्यादा बार बार रिलोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है उसका, पर फिर भी ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये बंदा आता है सामने से, और मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, किल कर देता हूँ। देखो इसके अंदर मैं 150 गोली लेने के लिए इसके ऊपर ये मैगजीन लगाता हूँ, उसको फिर से रिलोड करता हूँ। साइड से एक बंदा बिल्कुल कवर दे रहा था मुझे, 3 नंबर मेरा। देखते हैं आते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता हूँ, पर वो मरता फिर भी नहीं है। अब वो आता है, मैं इनसे किल कर देता हूँ। दोस्तों ये जो गेम है ना, ये अच्छा है, पबजी जैसा ही है, पर ठीक है। मैं उसको डायरेक्ट रख सकता हूँ या फिर डायरेक्ट किल कर देता हूँ। मुझे गोलियों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी M249 के अंदर। देखते हैं, मैं जाता हूँ जो बंदों को रस करने के लिए। सर देखता हूँ, जो बंदा दिखा था मुझे तो वो भी यहाँ से गायब हो चुका था शायद। फिर मुझे नॉक कर देते हैं, यहाँ पर ख़त्म कर देते, ठीक कर देता हूँ। फिर आगे चलते हुए मेरा M249 चली गई थी मेरे पास से, मेरे पास इसका रैली थी। वापस गन देखता हूँ यहाँ पर कौन सी पड़ी हुई है, AWM पड़े रहते हैं, मैं उसको भी उठा ही लेता हूँ, ताकि मेरी M249 आ जाए दूसरी बार। ऐसा नहीं है कि मैं उसको चलाता हूँ, मेरे पास स्कोप था ही नहीं उसको चलाने के लिए। बस यहाँ देखता हूँ, मैं उसको किल करने सोचता हूँ, दोबारा मैं देखता हूँ उसको किल कर देता हूँ। और इस साइड से एक बंदा कूद कर जाता है, उसको वो मुझे किल कर देता है। इसके बाद में मैं देखता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है गेम है वो। तो यहाँ पर कौन सी गन आई नहीं थी, टाइम लग रहा था किल कर देता। देखता हूँ मैं स्कोप से बंदा आ रहा है, एहसास तो हो रहा था ऐसे कोई बंदा आएगा, पर तो मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करी थी कि मैंने अपने गन को रिलोड नहीं किया। किल करता हूँ क्योंकि मेरे पास गन रिलोड नहीं थी, फिर भी मैंने उन दोनों बंदों को नॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया था उन दोनों बंदों को। मेरी गन को रिलोड कर लेता हूँ, देखते हैं हम क्या हो रहा है। डैमेज करता हूँ इस वाले बंदा को, मार दिया। देखते हैं यहाँ से बंदा आ रहा है, आ रहा है बंदा, आए ठंडे में देता हूँ, ऊपर ऊपर नॉक कर देता हूँ। मेरे पास गोलियाँ बहुत कम बची थी गन के अंदर, कवर दे ही रहा था साइड वाले बंदे ने, उसको किल कर दिया। मेरे पास गोलियाँ नहीं बची थी, मैं पिस्टल लेता हूँ, पिस्टल का डैमेज इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ये बंदा पीछे चलते हुए मुझे मार देता, फिर भी हम जीत गए थे, कोई दिक्कत नहीं। मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना।
ये बंदे ने 17 किल किए हैं, एमवीपी बना था ये। मेरे कुल कुछ ज़्यादा ही नहीं थे, 9 किल थे मेरे। ठीक है,